अच्छा, आज की वीडियो में हमें कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक सिविल और कंप्यूटर साइंस में क्या बेस्ट है। इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग थे, पूछ रहे थे, सर कंपेयर करके बताइए क्या बेस्ट है, क्या अच्छा रहेगा और किस तरह से जॉब ले। इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और फर्स्ट टाइम आप पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो बात हम करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। सबसे डिमांडिंग ब्रांच है और बहुत सारे लोग, लगभग पॉलिटेक्निक में 80-90% लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सिविल मैकेनिकल इन ब्रांचों को कोई पूछ नहीं रहा। सिविल को लोग कह रहे हैं बेकार ब्रांच है, 2 सालों से मेरी जॉब नहीं लगी है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले से कोरोना है, 2 साल तीसरा साल है, कोरोना में चीज़ें उतनी अच्छे से काम नहीं कर रही थी। कि सिविल की मार्केट पिछले 2-2.5 साल से बिल्कुल ठप है, मतलब जियो रिक्रूटमेंट मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जब मार्केट ही नहीं ओपन है तो जॉब कहाँ से मिलेगी सिविल में। लेकिन धीरे धीरे अब सिविल की मार्केट ओपन हो रही है, सिविल की मार्केट बहुत अच्छे से ओपन हो रही है, धीरे धीरे रिक्रूटमेंट हो रहा है। जो पहले के लोग कर रहे हैं उन लोगों को भी जॉब मिल रही है, जो पास आउट हो रहे हैं धीरे धीरे उनको भी जॉब मिल रही है। लेकिन हाँ, जो रेशियो है जॉब लेने का, मतलब तेज़ी से बढ़ने का ग्राफ, वो थोड़ा सा धीरे धीरे स्लोली 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 बढ़ रहा, क्योंकि 2 साल कंटिन्यू कोई भी प्रोजेक्ट बनता, फंड खत्म हो गए, बहुत सारे इशूज हैं जिसकी वजह से सिविल की मार्केट अब धीरे धीरे अप हो रही है। लेकिन हाँ, मार्केट टफ हो गई थी, जॉब नहीं लग रही होगी, अभी भी जॉब की परेशानी है सिविल में। लेकिन आने वाला जो टाइम है, जब आप पास आउट हो गए 3 साल बाद, तो सिविल की मार्केट सही होगी। 3 सालों में अगर सब कुछ सही रहा तो सिविल की मार्केट धीरे धीरे सही हो जाएगी और आपको जॉब मिलना शुरू हो जाएगा। फिर से सिविल की मार्केट अपने पीक पॉइंट पे जाएगी, अच्छी खासी जॉब मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। लेकिन अब वहीं बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर 2022 की बात किया जाए तो जो प्लेसमेंट हुआ, लास्ट प्लेसमेंट, वो अपने पीक पॉइंट पे हुआ है। मतलब बहुत ही अच्छा हुआ है, इतना अच्छा हुआ है कि शायद आप सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार इतना अच्छा कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट हो गया, कैसे हो गया। मतलब बड़ा हैरत भरी बात आपके माइंडसेट में आएगी। लेकिन हाँ, बिल्कुल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट इतना ही अच्छा हुआ है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, अब धीरे धीरे ग्राफ गिरना शुरू हो गया कंप्यूटर साइंस का। पहले ग्राफ यहाँ था, अब धीरे धीरे ऐसे गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से कंप्यूटर साइंस, 3-4-5-6 सालों से कंप्यूटर साइंस अपने पीक पॉइंट पे चल रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड था मार्केट में। लेकिन अभी रिसेशन की वजह से आपने देखा होगा, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, टेक महिंद्रा ने ऑफर लेटर दे करके रिजेक्ट कर दिया, ऑफर लेटर दिया और मना कर दिया कंपनी स्टूडेंट को। 50-60 हज़ार स्टूडेंट को कैंपस प्लेसमेंट किया था और मना कर दिया जॉब देने से। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस की मार्केट अब धीरे धीरे गिर रही है। जो लोग स्किल्ड हैं, जो कंप्यूटर साइंस में अच्छे हैं, उनको जॉब मिलेगी, और जो नहीं स्किल्ड हैं शायद उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैक्सिमम लोग कर रहे हो ना, देखो अगर आपकी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बाद क्या बनोगे? आप डेवलपर बनोगे, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर, फ्रंट एंड, बैक एंड, यही 4-5 चीज आप बन सकते हो। तो उसके लिए आपकी प्रोग्रामिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावा हो, चाहे .NET हो, चाहे PHP हो, चाहे HTML हो, ये सारी चीजों पे, किसी एक लैंग्वेज पे आपके अच्छे से कमांड होनी चाहिए। और आपको डिसाइड करना होगा कि आप फ्रंट एंड बनना चाहते हो डेवलपर या बैक एंड डेवलपर, ये पहले से ही प्री डिसाइड होना चाहिए। ये नहीं कि जब आप पास आउट हो रहे तो सोच रहे हो अरे चलो जहां जॉब मिल रही, जो डेवलपर ये लोग बना रहे हैं बन जाए। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग फ्रंट एंड अच्छा करते हैं, बैक एंड का काम सही नहीं कर पाते। बैक एंड बहुत माइंड गेमिंग डेवलपमेंट का चीज होता है, इसी तरह से एप्लीकेशन में भी है। UI डेवलपर होते हैं, UX डेवलपर होते हैं, बैक एंड डेवलपर होते हैं। एप्लीकेशन भी बहुत बड़ी मार्केट है एप्लीकेशन डेवलपर की, और बहुत अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी हुई है, पैकेज भी काफ़ी अच्छा खासा है एप्लीकेशन डेवलपर में। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं या सिविल इंजीनियरिंग ले रहे हैं। दोनों इंजीनियरिंग मेरे हिसाब से बेटर है। जिसमें आप कर रहे हो सिविल की मार्केट अच्छी होगी, होपलेस मत होइए। अब 2-3 साल से जो चीज़ें बंद थी अब धीरे धीरे खुल रही हैं, तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है। और कंप्यूटर साइंस में भी ग्राफ नीचे जा रहा है, तो उससे आप अपनी स्किल पर फोकस करें, ताकि जब भी 2023 में मार्केट डाउन हो, 2024 में मार्केट डाउन हो, तो ज़्यादा जो लोग पास आउट होने वाले हैं ज़्यादा इंपैक्ट ना पड़े। तो बस वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद है, जो लोग टेलीग्राम पे हो, पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे जाकर ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।